शेरकोट के पीएचसी में आयुष्मान भवा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल का पीएचसी प्रभारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा आयुष्मान कार्डों को वितरित किया गया। आयुष्मान कार्ड पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर शरद चंद शर्मा, चौधरी संसार सिंह, अंकुर वर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी, सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका शेरकोट पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया की ओर से भी, समस्त लोगों की ओर से। आप यहाँ हॉस्पिटल में पधारे, क्यों आए, क्या कारण है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार द्वारा सभी हॉस्पिटल जो हमारे पीएससी हैं या सीएससी भी हैं, उनमें सब में जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए गए हैं और उनमें निःशुल्क जो है सरकार द्वारा उसमें जांच हो रही है। और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है जांच के साथ साथ स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड जो हमारी आम जनता के लिए इतना लाभकारी है। आयुष्मान कार्ड हमारे इस समय सरकार ने योजना चलाई है कि जो 6 यूनिट हैं, उस 6 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति है तो उनके सबके आयुष्मान कार्ड बने हैं। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब से आयुष्मान कार्ड योजना चली है तो उसमें क्या है, 5 लाख तक का लाभ, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सरकार द्वारा उसको मरीज को मिलता है। मेरा मानना है कि पहले लोग इतने परेशान रहते थे, जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते थे, आज लोग इतने खुश हैं इस योजना से। और मेरा अपना व्यक्तिगत भी मानना है कि आयुष्मान योजना जो है वो इतनी बड़ी योजना है, इतनी लाभकारी योजना है कि लोग जब बीमार होता है किसी के घर में कोई और इलाज के लिए पैसे नहीं होते और वो जब इधर उधर बगल झाँकता है तो कोई थोड़ी बड़ी मदद तो कर देता है लेकिन प्रॉपर किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा काम करा है आयुष्मान कार्ड बनाने का, और इसके द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में, फ्री में सरकार की तरफ से होता है। तो ये बड़ी योजना है, बस मुझे इतना ही कहना था। एक चर्चा है बाहर लोगों में जी, ये 6 यूनिट पर ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनके 6 यूनिट क्या है, सरकार की योजना 6 यूनिट की है। मैं समझता हूँ, खैर आगे को जो है एक दो लोगों ने और भी इस पर चर्चा करी थी, तो ये धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि पहले आयुष्मान कार्ड बड़ी मात्रा में बने हुए हैं, अब 6 यूनिट में कर रहे हैं, उसके बाद इसको करने भी करेंगे सरकार द्वारा। अच्छी योजना है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बड़े लोगों ने सोच रखा होगा, तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, सारी योजनाएं बढ़िया चल रही है।